ఆత్మతనింబ్రజాతని పదుతని లోకమైతన్యామే అగ్నికరుష్మాసు దత్తా కర్పూర గౌరం కరుణావతారం సంసార సారం భుజగేంద్రహారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవాని సైతం నమామి బులే గణేష్ భగవాన్ కీ జయ గణేష్ జయ గణేష్ జయ గణేష్ దేవా మాతా జకీ పార్వతీ పితా మహాదేవా జయ గణేష్ జయ पीछे का जो मसाला है वही जो शर्म जो दिख रहा है आपको वही आपको खतरनाक जो उसका शर्म आपको सिनेमा में भी दिखने वाला है। एक मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि एक बहुत अलग एक बहुत नायाब बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हम एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ कहानी भी हो सकता है और कोई दुल्हन ऐसा कर सकती है कोई दूल्हा ऐसा कर सकता है। और अभी मैं बोल रही थी चिंटू जी को कि जीना तेरे गली में पार्ट टू और इसमें फर्क है कि उसमें हाँ। मुझे बहुत मेरे पीछे फर्स्ट टू लास्ट एकदम मेरे पीछे भाग रहा था इस बार हाँ। मैं भगा के ले जा रही हूँ हाँ। तो ये एक बहुत ये डिफरेंशिएट भी उस मतलब हम दोनों काफी एक नया बहुत चटपटी कहानी है और मुझे पूरा उम्मीद है जब भी कोई भी सिनेमा आता है जब भी कोई भी सिनेमा लेकर आता हूँ जैसा कि अभी नायक आप सबके प्यार से आप सबकी दुआओं से फिल्म बहुत सफल जा रही है सबको बहुत पसंद आ रही है कलेक्शंस भी बहुत अच्छे हैं सबको बहुत अच्छी लग रही है फिल्म एक अलग टेक्निक की अलग मेकिंग की फिल्म रहे हैं वो उसकी शूटिंग पूरी तरह जैसा कि मैंने पहले बताया हैदराबाद में पूरे की पूरी साउथ टीम के साथ हुई थी उसमें बाहुबली के विलन काली के प्रभाकर हैं उसकी हीरोइन जो है वो तेलुगु की थी उन्होंने 7-8 फिल्में तेलुगु फिल्में की हैं तो पूरी की पूरी टीम थी साउथ की तो एक नया फ्लेवर एक नए मेकिंग के साथ आया था उसी तरह उसी प्रकार अब हम लोग चिंटू की दुल्हनिया अब पूरी तरह एक नया और एक नए मेकिंग के साथ नए स्टाइल के साथ एक नई कहानी के साथ क्योंकि हमेशा हम लोग बोलते हैं कि कहानी मिलती जुलती है या ऐसा है वैसा है तो इसलिए हम जब भी मेरा ये प्रयास ही रहता है कि जब भी कोई भी फिल्म करूँ कोई भी सिनेमा करूँ तो एक नई कहानी हो नई सोच हो और दर्शकों पर हमारे उस कहानी का क्या असर होता है उनके परिवार पर क्या असर होता है वो ज़्यादा हम मायने रखते हैं वो ज़्यादा हम उस नज़रिए को लेकर ज़्यादा चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट लिखते समय मेरे दिमाग में कुछ था नहीं कि मैं इसमें क्या स्टार कास्ट होंगे क्या होंगे जैसे जैसे मेरा ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता गया तो अशोक भाई एक बार बोले कि भाई कुछ है बताइए सुनाइए तो अशोक भाई को मैंने सुनाया मैंने कुछ और सोचा था टाइटल लेकिन जब इन्होंने बताया ये टाइटल तो मैं टाइटल से पहले हो गया कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त टाइटल है और कहानी पे एकदम फिट हो रहा है तो ये कहानी लेकर के फिर जब चिंटू भाई के साथ में मुझे सुनाने का मौका मिला मैं 6 महीने से इस जब कहानी मैंने इनको सुनाया इससे 6 महीने पहले से मैं ट्राई कर रहा था कि कभी भाई के साथ बैठूं इनको कहानी सुनाऊं लेकिन अशोक भाई के थ्रू मुझे मौका मिला और फिर जब मैंने इनको सुनाया तो एक होता है ना जब भी कोई राइटर या डायरेक्टर किसी एक्टर को कहानी सुनाता है तो रिएक्शन एक एक्साइटमेंट होता है कि जो मैंने सोचा है जो मैंने लिखा है क्या वो हजम हो रही है सामने वाले लेकिन जिस तरह से इन्होंने इन्वॉल्व होकर के एक एक क्वेश्चन किया मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनका मतलब इन्होंने पूरी कहानी मुझसे सुनी और हर एक के पीछे क्वेश्चन किया उस वो क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाया मुझे बहुत अच्छा लगा इनके इनको नरेट करते समय और मैं एक्साइटेड हूँ इनके साथ काम करने के लिए कि आगे बहुत मज़ा आएगा हम लोगों को मस्ती के साथ हम लोग बहुत काम करेंगे। मैंने बोला कि अभी तक मैंने तय नहीं किया है दुल्हनिया कौन होगी क्योंकि फिर अशोक भाई के साथ में बैठे क्योंकि फिल्म बनाने के लिए अभी महंगी दुल्हन लाए या किस तरह की दुल्हन लाए ये तो प्रोड्यूसर ही बता सकते हैं कि पंडा तो हमारी फिल्मों में दुल्हन बजट पे आती है तो मुझे इन्होंने बोला कि नहीं बजट की बात नहीं है आप सिर्फ ये देखो कि आपके उस कैरेक्टर में कौन फिट बैठती है तो इन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई फिर इनके भी कुछ वीडियोज़ दिखाई इनके साथ मैं फ़र्स्ट टाइम आज मिला हूँ तो मुझे अच्छा लगा मैं बोला ठीक है आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है परफेक्ट है और फाइनल कीजिए। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं चिंटू की दुल्हनिया फिल्म बनने जा रही है और दीपक तिवारी जैसे कि मेरे भाई हैं तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ कि
भाई है तो ऑब्वियसली तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। ऊपर से मेरे दोस्त है चिंटू, बहुत ही टैलेंटेड है, अच्छा गाते भी है और बहुत सुपरहिट फिल्में दिए हैं, तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। फिल्म के प्रोड्यूसर अशोक जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, मणि जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए और गर्व से कहे कि चिंटू की दुल्हनिया बहुत अच्छी है। कन्यादान हमारे हमारे अशोक जी और दीपक जी मिलके करेंगे, मिलके करेंगे। इसका जिम्मा उन लोगों ने थामा है। सभी भाइयों बहनों को प्रदीप भैया का नमस्कार। पूछिए क्या पूछना है। चिंटू की दुल्हनिया प्रोड्यूसर अशोक गुप्ता जी, दीपक तिवारी जी, अपूर बाजू में संगीता जी प्रेजेंट, और जैसा टाइटल है वैसी पिक्चर भी अच्छी बनेगी। इन्होंने धुरंधर पिक्चर बनाई थी रवि जी के साथ। रवि जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी पहले सैया अमार मई रिलीज किया था भोजपुरी। मैं पहले हिंदी करता था, फर्स्ट पिक्चर मैंने रिलीज की थी, उसके बाद तो पंडित जी सब किया, 150-200 पिक्चर भोजपुरी भी हिंदी भी। और मुझे लगता है पिक्चर बहुत अच्छी क्योंकि टाइटल बहुत अच्छा है और चिंटू तो स्टार है ही है, चाचा बेटा भी है, साथ में भतीजा भी है। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई एक टेक्नीशियन का बेटा है चले, और हमेशा हम लोग सपोर्ट में भी रहते हैं। हाँ, विवाह के बाद तो ऑटोमेटिक दुल्हनिया आएगी ना, विवाह होएगा तो ऑटोमेटिक आएगी दुल्हनिया। गौना में आएगी ना, गौना में दुल्हनिया। कब फिल्म कब रिलीज कर रहे हैं? मैं दिवाली, दिवाली में। हाँ, दिवाली पिक्चर रिलीज है। वाह। और कल मेरा सब जगह स्टैंड ये पोस्टर पहुँच जाएगा। प्लैनेट भोजपुरी।